नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC विथ HSM में। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के सिलेबस एवं परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इस संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। न्यूज सेक्शन में 23/7/2020 प्रेस नोट रिगार्डिंग एग्जाम डेट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर 23/7/2020 प्रेस नोट रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर फॉर SEF एंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट एग्जाम 2018। प्रेस नोट रिगार्डिंग सिलेबस फॉर इंस्पेक्टर फैक्ट्री एंड बॉयलर एग्जाम 2020। सिलेबस फॉर इंस्पेक्टर फैक्ट्री एंड बॉयलर 2020 23/7/2020 को प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एलिजिबिलिटी चेकिंग एंड कट ऑफ मार्क्स फॉर स्कूल लेक्चरर स्कूल एजुकेशन 2018 कॉमर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे स्कूल लेक्चरर 2018 कॉमर्स के संदर्भ में। जैसे हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। तेईस सात 2020 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु प्राध्यापक वाणिज्य स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018 के पदों हेतु आयोग द्वारा ग्रुप सी के प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन की लिखित परीक्षा दिनांक 9/1/2020 एवं द्वितीय प्रश्न पत्र वाणिज्य की लिखित परीक्षा दिनांक 10/1/2020 को आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षा के फलस्वरूप निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों सुनिश्चित किए जाने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से तथा यह चयन सूची वरीयता सूची नहीं है, अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची दस्तावेज सत्यापन के पश्चात जारी की जाएगी। दस्तावेज सत्यापन का कार्य काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा, अतः अभ्यर्थी अपना विस्तृत आवेदन पत्र भरकर काउंसलिंग के समय उपस्थित होवें। काउंसलिंग के विस्तृत कार्यक्रम के संबंध में आयोग की वेबसाइट एवं अन्य माध्यम से यथा समय प्रत्यक्ष से सूचित कर दिया जाएगा। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच विज्ञापन की शर्तों नियमों के अनुसार की जाएगी। पात्रता की समस्त शर्तें निम्नानुसार पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता आयोग द्वारा रद्द कर दी जाएगी तथा पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से ही निम्नानुसार मुख्य चयन सूची एवं आरक्षित सूची जारी की जाएगी। तो हम यहाँ रोल नंबर देख लेते हैं जिन्हें प्रोविजनल रूप से सफल घोषित किया गया है। टोटल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ टोटल कैंडिडेट्स है 249। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ मार्क्स के संदर्भ में। जर्नल कैटेगरी में जर्नल की 283.53, WE की 282.95, WD की 179.81, जर्नल की EWS जर्नल में 274.92, WE की 268.70, SC जर्नल 231.16, WE 230.54, WD 53.85, ST जर्नल में 214.19, WE 206.13, WD की 32.57, OBC जर्नल में 277.51, WE 269.17, WD की 131.74, MBC जर्नल में 268.22 एंड WE की 213.07 एवं कट ऑफ मार्क्स में जो DOB है उसका भी इस्तेमाल किया गया है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो एक्स सर्विसमैन की 93.78, PH कैंडिडेट्स बी और LV की स्थिति में 213.93 एंड LD और CP की स्थिति में 241.7
241.27 और यहाँ जो डेट ऑफ बर्थ है इसका भी इस्तेमाल किया गया है कट ऑफ मार्क्स निर्धारण में। तो इस तरह से स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 वाणिज्य वर्ग का जो वाणिज्य विषय है उसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं हम जो सेकंड नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके संदर्भ में। सिलेबस फॉर इंस्पेक्टर फैक्ट्री एंड बॉयलर 2020 पर जैसे हमने क्लिक करते ही एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज एंड बॉयलर्स फैक्ट्रीज एंड बॉयलर्स डिपार्टमेंट। तो हम यहाँ देख सकते हैं जो सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है। तो इस सिलेबस को हम आसानी से डाउनलोड करके और देख सकते हैं। इस सिलेबस की PDF फाइल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है, जहाँ से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें तो जो परीक्षा होगी वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा और मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे 180 होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 180 होंगे। ड्यूरेशन ऑफ पेपर 3 आवर्स का होगा। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। मीडियम ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट इंग्लिश में होगा और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, और यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी रहेगी। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर दैट पार्टिकुलर क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड। तो यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है उसके संदर्भ में भी यहाँ पर जानकारी उपलब्ध की गई है। तो यहाँ पर 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग है उसका प्रावधान यहाँ किया गया है। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट नोटिफिकेशन के संदर्भ में। प्रेस नोट रिगार्डिंग सिलेबस फॉर इंस्पेक्टर फैक्ट्री एंड बॉयलर एग्जाम। जैसे हमने क्लिक करते ही एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके हम इस प्रकार आसानी से देख सकते हैं। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर समीक्षा परीक्षा 2020 का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित कर दिया गया है। पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर समीक्षा परीक्षा 2020 के नाम से उपलब्ध है, जिसके संदर्भ में हमने अभी चर्चा की है। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट नोटिफिकेशन। प्रेस नोट रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर फॉर ACF एंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट एग्जाम 2018 पर जैसे हमने क्लिक करते ही एक PDF फाइल डाउनलोड होगी, जिसे हम इस प्रकार आसानी से देख सकते हैं। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक वन संरक्षक एवं वन रेंज अधिकारी ग्रेड प्रथम ऐच्छिक विषय प्रतियोगी परीक्षा 2018 वन विभाग के प्रश्न पत्रों 10 सब्जेक्ट जिसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर एंड वेटनरी साइंसेस, इनका जो पेपर होगा उसका माध्यम अंग्रेजी रहेगा और शेष विषयों का जो माध्यम है वो द्विभाषीय है, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों जो लैंग्वेज में हैं प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर इस संदर्भ में जारी किया गया नोटिफिकेशन है ये। अब बात कर लेते हैं हम असिस्टेंट ऑफिसर के संदर्भ में। जैसे हमने क्लिक करते ही एक PDF फाइल डाउनलोड होगी और इसे इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। आयोग द्वारा सहायक आचार्य और सहायक आचार्य मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट 2020 का आयोजन अजमेर जिला, विशेष तथ्य क्या है, अजमेर जिला में जो एग्ज़ाम है वो लिया जाएगा और मुख्यालय पर निम्न कार्यक्रम अनुसार आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पर हम असिस्टेंट प्रोफेसर बोर्ड स्पेशलिटी मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट 2020 का जो आयोजन है, ये समय इसका दिया गया है प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक का समय है। और एक डेट ऑफ एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो ये 11/8/2020 यानी 11 अगस्त 2020 को संपन्न किया जाएगा। और यहाँ जो सब्जेक्ट दिए गए हैं
इनका जिक्र यहाँ किया गया है। तो इन सब्जेक्ट का जो पेपर होगा ये 11/8/2020 को होगा। और यहाँ पर इन जो पेपर्स हैं दोपहर 2 बजे से साईं 5 बजे तक होंगे। तो ये पेपर्स यहाँ पर दिए गए हैं जिनके पेपर बायोफिजिक्स से लेकर साइकेट्री तक के जो पेपर हैं ये हैं संपन्न होंगे 11/8/2020 को ही दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक। इसी तरह से सुपर स्पेशलिटी जो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर स्क्रीनिंग टेस्ट 2020 जो आयोजित होगा ये 13/8/2020 को होगा और जो समय है ये 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। और इसके जो सब्जेक्ट वो यहाँ पर दिए गए हैं कि किन किन सब्जेक्ट का होगा। और इसी तरह से तेरह आठ 2020 को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो समय है उसमें मेडिकल गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी से लेकर न्यूरोलॉजी तक के जो पेपर है वो संपन्न होंगे। जबकि 14/8/2020 को न्यूरो सर्जरी से लेकर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के जो पेपर है ये 9 बजे से 12 बजे तक संपन्न होंगे। तो यहाँ विस्तृत जो कार्यक्रम है अलग अलग सब्जेक्ट के वो जारी कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर समय और तिथि का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा विभिन्न भर्ती परीक्षाओं से संबंधित सिलेबस एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर और पैटर्न ऑफ एग्जाम के संदर्भ में विस्तारपूर्वक चर्चा की। आशा करूंगा कि ये जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रही होगी। इन सभी एग्ज़ाम्स की जो PDF फाइल है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी गई है जहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो आशा करूंगा कि ये जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBC विद HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।